हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. दिस इज डॉक्टर हादी हियर. फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो इस चैप्टर का जो स्टार्ट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद वन बाय वन हम अलग अलग लेक्चर में आपको इसके पार्ट्स बताएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या चीज़. पहले तो इसको डिफाइन करेंगे. यहाँ पर एम मिसिंग है, एम एस वाई एस टी ई एम, सिस्टम. देखिए, किसी भी जिंदा जिस्म के अंदर, लेट सपोज एक इंसान का जो जिस्म है, आप इसको गौर से देखिए, इंसान के बॉडी के अंदर आपको पार्ट्स नजर आएंगे जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आईज एक काम कर रहे हैं, खास काम कर रहे हैं, दिखने में मदद दे रहे हैं, नाक का एक खास काम है. ठीक है, इसी तरह आपके हाथ उंगलियां जो हैं आप से मूव कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, और आपके बॉडी के अंदर हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपके बोन हैं, इतने बॉडी पार्ट्स आपके जिस्म के अंदर है और ये सब के सब काम कर रहे हैं. तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा है कि ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये मुफ्त में काम कर रहे हैं, क्या इनको कुछ खुराक चाहिए या नहीं? तो जवाब ज़रूर यही है कि खुराक चाहिए. एक गाड़ी आप किस तरह चला रहे हैं जबकि उसके इंजन के अंदर जो है पेट्रोल नहीं है, या उसके इंजन के अंदर डीजल नहीं है, या उस गाड़ी के अंदर कोई सोलर सिस्टम नहीं है, तो बगैर एनर्जी के आप गाड़ी को कैसे चलाएंगे? तो आपके बॉडी पार्ट्स को भी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी के बगैर ये नहीं चल सकते हैं. तो अब ये सवाल आ रहा है कि एनर्जी जो है वो इनको कहाँ से मिलती है? तो वो खुराक है, जो आप लोग खा रहे होते हैं, जो कुछ आप लोग खा रहे होते हैं, वही तो एनर्जी है. अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि जब आप लोग कुछ खाते हैं तो वो आपके पेट में आ जाएगा. ठीक है, पेट के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद उस खुराक को आपके जिस्म के पुर्जे पुर्जे तक पहुँचाना होता है. तो ऐसा कोई सिस्टम तो होगा कि वो खुराक को आपके जिस्म के पुर्जे पुर्जे तक पहुँचाए. अभी देखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके जो आंख हैं, मतलब आप कुछ खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं या कीमा खा रहे हैं, कोई खाना खा रहे, कोई भी खुराक है, आप उस खुराक का कुछ हिस्सा यहाँ पर आंख के ऊपर रख देते हैं कि भाई ये आपका खुराक हो गया, कुछ हिस्सा आप नाक के ऊपर रखते, कुछ पकौड़े वगैरह आप दिमाग के ऊपर रख लेते कि ये आपका होगा. इस तरह अजीब सा लगता कि अगर आप अपने जिस्म के पार्ट्स को इस तरह खुराक देते तो ये अजीब सा लगता, लेकिन नहीं, खुराक एक रास्ते से हम खाएंगे, वो पेट में आएगा, उसके बाद वो तकसीम होगा, डिवाइड होगा, मूव करेगा. तो जिस सिस्टम की मदद से ये खुराक आपके पुर्जे पुर्जे तक पहुंचेगा, उस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये लाजमी है. एक और बात, जो खुराक आपके जिस्म के जिस हिस्से में पहुंच जाएगा वहां पर इससे काम तो लिया जाएगा, लेकिन वहां पर कचरा भी बनेगा. जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद जब आप चलाना शुरू कर लेते हैं तो आप काम तो ले रहे हैं, इंजन चल तो रहा है, लेकिन इंजन से कुछ कचरा भी निकलेगा गैस की शक्ल में. ठीक है, वो भी निकल रहा. तो इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी जब खुराक अपने जगह तक पहुंचेगा तो फिर वहाँ कुछ कचरा भी प्रोड्यूस होगा. अब वो कचरा भी आपके जिस्म में नहीं रहेगा, आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे दरवाजे तो नहीं कि जहाँ से कचरा निकलता जाए, मतलब आंख का कचरा यहाँ से निकले, ठीक है, नाक का कचरा जो है नाक से निकले, दिमाग का कचरा जो है यहाँ पर दिमाग से कहीं से निकले, ऐसा भी नहीं है. तो ये जो कचरे हैं इनको भी एक जगह पे सेंटर होना है और फिर उनको बॉडी से निकालना है. बॉडी में चंद ऐसे जगह हैं जैसे कि सांस है, कुछ कचरा जो है सांस के जरिए निकल जाएगा, ठीक है, और कुछ जो है आपके लंग्स के जरिए निकल जाएगा. सो कचरे को इन जगहों से उठा के इनको जिस्म से बाहर निकालना भी होगा. तो इसके लिए भी वही सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद क्या हुआ? बॉडी के अंदर काम की चीज़ों को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाना, और अगर वहाँ पर कचरा बना हुआ है तो उसको वहाँ से उठा के जिस्म से बाहर फेंक देना. ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होगा.
अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसान के जिस्म में, ये फ्लूइड पर मुश्तमिल है, किस्म का पानी है जो आपकी जिस्म में चक्कर लगा रहा है, किस्म का पानी है, लिक्विड है, पानी की तरह लिक्विड है। वो जो लिक्विड है वो चक्कर लगा रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, सर्कुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। और जैसे जैसे ये लिक्विड सर्कुलेट कर रहा होता है आपकी जिस्म के पुर्जे पुर्जे को अपना खुराक, अपनी जरूरत की चीजें दे देते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये चूंकि बात सिस्टम का हो रही है, सिस्टम का मतलब क्या है कि वहां पर एक से ज्यादा पार्ट्स मिलके काम करेंगे। जब भी सिस्टम वाली बात आती है, अब जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि अभी 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 एक चैप्टर जो है वो मैंने खत्म कराया, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स मिलके काम कर रहे थे। माउथ, बकल कैविटी था, एसोफेगस था, स्टमक था, इंटेस्टाइन था, लीवर था, वगैरह, कितने पार्ट्स मिलके उन्होंने सिस्टम बनाया था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ मेन पार्ट्स मिलके काम करेंगे, और वो पार्ट्स कौन से हैं? वो दरअसल थ्री पार्ट्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर थ्री पार्ट्स हैं, थ्री कंपोनेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे उसको लिखते, देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला जो है वो है आपका हार्ट, और दूसरा जो है वो है ब्लड, जबकि तीसरे नंबर पर जो है वो है ब्लड वेसल्स। तो ये तीन हिस्से हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। आज के लेक्चर में तो हम पूरे सिस्टम को रिव्यू करेंगे, समरी वाइज आपको पढ़ाएंगे, तो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड या ब्लड वेसल को पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम थर्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे। सो इस तरह से एक एक पार्ट के लिए एक एक लेक्चर रखेंगे, सीक्वेंस वाइज आपको बताएंगे। तो अगर हम देखें, सबसे पहले ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई पंपिंग ऑर्गन का होना लाजमी है कि वो आपके फ्लू बॉडी के अंदर फ्लूड को पंप करे, क्योंकि उसने चलना होता है। तो एक हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है, हमारे पास पंपिंग ऑर्गन, जिसे आप क्या नाम देते हैं? हार्ट का नाम देते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हार्ट का डायग्राम है, और बहुत जल्द हम आपको हार्ट के लेक्चर में लेके जाएंगे, हार्ट को अंदर से बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे, किसी के लिए आपको इंतजार करना होगा। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ये एक किस्म का फ्लूइड को पंप करेगा। वो जो फ्लूइड है वो एक पाइप के जरिए मूव करेगा। उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं ब्लड। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? ब्लड होगा उस फ्लूइड का, जो कि हार्ट से पंप करेगा। और ये जिस पाइप के जरिए मूव करेगा, जिस पाइप के जरिए मूव करेगा, उस पाइप का नाम है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। तो अब आप देखिए, वो जो तीन कंपोनेंट्स थे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, वो यहां पर आपने देख लिया, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। तो ये जो ब्लड वेसल है ये मूव कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो खून का एक रग है, एक 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 पाइप है, इससे छोटी छोटी शाखें निकल रही है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं। ये शाखें दोबारा मिलके एक सिंगल पाइप बना रहा है, ये शाखें दोबारा मिलके एक सिंगल पाइप बना रहे हैं। ये भी आपका ब्लड वेसल है, ये भी आपका ब्लड वेसल है, ये भी आपका ब्लड वेसल है। तो ये जो ब्लड वेसल है, इसके अंदर भी क्या मूव करेगा? इसके अंदर भी ब्लड मूव करेगा। अब इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर जो ब्लड आ रहा था उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजनेटेड था। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, बहुत कम होगा। उसका नाम होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने थोड़ा सा कलर को भी इस तरह बना लिया हुआ है कि इसमें ऑक्सीजन वाला खून आएगा और इसमें बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड मूव करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहां तक जब ऑक्सीजन था इस खून के अंदर, तो फिर यहां क्यों नहीं रहा? असल में ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहां पर, जहां पर एक एक पाइप छोटे छोटे शाखों में टूट रहा है,
इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, इस जगह को कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी। आप इसको कैपिलरी बोले या कैपिलरीज बोले, जो दिल करे कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज हैं, ये इनकी दीवारें बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा था ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ जाएगा, वो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ जाएगा कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज वो जगह है जहाँ से खून के अंदर ज़रूरत की चीज़ें, ऑक्सीजन या और चीज़, वो खून से बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा? क्योंकि बाहर, इसके बाहर आपको आपको नज़र आएंगे सेल्स, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे सेल्स, बाहर आपको नज़र आएंगे सेल्स। तो ये जो सेल्स है, ये सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ब्लड आ जाए और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो जो ऑक्सीजन है, वो इन तमाम के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन और काम की चीज़ें मिल जाएंगी। फिर क्या होगा कि ये तो सेल है, सेल में अगर कोई कचरा वगैरह बन जाए, लेट सपोज यहाँ पर सेल के अंदर कुछ कचरा भी बन गया, यहाँ पर ये कचरा भी बन गया, वेस्ट प्रोडक्ट भी है, तो इस कचरे को जो है सेल से बाहर निकाल कर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसको डाल देंगे। तो एक किस्म का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ब्लड से चीज़ें बाहर जा रही है टिश्यू में, और टिश्यू से चीज़ें जो है वो वापस ब्लड के अंदर आ रही है। ये जो सेल्स हैं, इनको आप टिश्यू भी कहते हैं, सेल्स को आप टिश्यू भी कहते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज़ यूज़ होता है, एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज हुआ। तो ये कैपिलरी का एक डेफिनेशन भी हमारे पास आ गया, एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल, चीज़ों की यहाँ पर एक्सचेंज होती है। और जब यही ब्लड जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो उसके अंदर मोस्टली ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज आउट होकर के बाहर चला गया। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड अब मूव करेगा। अब ये कहाँ पर मूव करेगा, ये ब्लड वापसी पे मूव करके कहाँ पर आ जाएगा, हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है, इट विल कम बैक टू हार्ट। अब ये एक किस्म का सर्कुलेशन है जो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। पंपिंग ऑर्गन हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, ब्लड जो है मूव करके आपके बॉडी के अंदर जो पुर्जा पुर्जा है, पुर्जे पुर्जे तक काम की चीज को पहुंचाएगा। किसकी मदद से, कैपिलरीज की मदद से। वहां से अगर कचरा है तो उसको उठा के वापस कहां पर लाएगा, हार्ट के अंदर लाएगा। तो दिस एक छोटा सा जो डायग्राम है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, और यह आपका ट्रांसपोर्ट इन एनिमल में भी इस तरह से होता है कि पंपिंग ऑर्गन होगा, ब्लड होगा, और ब्लड वेसल्स होंगे इस तरह से मूव करके। ये एक इंट्रोडक्शन था। अब आने वाला जो लेक्चर होगा, उसमें हम आपको हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, हार्ट के अंदर क्या क्या है, क्या चैम्बर्स हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से वैल्व है। सो मे बी अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, तो हम उसको दो लेक्चर में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, हार्ट के अंदर और भी बहुत कुछ है, तो जिसको हम लोग बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम पूरे चैप्टर को फिनिश्ड करेंगे, और आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी होगी। इसके साथ ही यहाँ तक हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।